हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मिड्डा। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस फॉर द डीआरडीओ एमटीएस। जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है डीआरडीओ एमटीएस के एग्जाम के लिए एंड ऑल्सो फॉर द अदर एसएससी एंड अदर एग्जाम्स। तो जनरल अवेयरनेस एक अच्छे मार्क्स हमें दिलाता है, बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आ जाइए जल्दी से और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन, दैट इज जनरल अवेयरनेस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मनोज जी, साक्षी। जनरल अवेयरनेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को पहली बार किस ईयर में अमेंड किया गया था? बताइए, जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए क्वेश्चंस का। गुड आफ्टरनून एवरीवन। भारतीय संविधान पहली बार किस ईयर में अमेंड किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मनोज जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, क्या ये आंसर सही है? बाकी लोग भी आंसर करिए जल्दी से। देखिए, 26 ऑफ नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हुआ। क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हुआ। और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेशन में आया, जिसे हम रिपब्लिक डे भी बनाते हैं, रिपब्लिक डे। उसके बाद जब संविधान बन गया तो उसमें पहली बार अमेंडमेंट किस ईयर में की गई? तो पहली बार अमेंडमेंट हुआ था कब? आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, 1951 में नेहरू जी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट का मूवमेंट रखा, प्रस्ताव रखा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बेसिकली जमींदारी प्रथा जो थी और राइट टू इक्वलिटी, ऐसे कुछ अमेंडमेंट्स को लेकर यहां पर उनको अच्छे वे में दर्शाने के लिए यह अमेंडमेंट किया गया था 1951 में। तो बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। जो लोग आंसर कर रहे हैं वो शेयर कर दीजिए सेशन को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाए, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। स्वदेशी मूवमेंट किस ईयर में स्टार्ट की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वदेशी मूवमेंट किस ईयर में स्टार्ट की गई थी? देखिए, अभी भी हम स्वदेशी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी इंडिया की जो सिचुएशन चल रही है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, स्वदेशी अपनाओ। तो अभी भी देश को एक स्वदेशी मूवमेंट की ही जरूरत है। बट जो ओरिजिनल स्वदेशी मूवमेंट थी वो कब आई थी, ठीक है, वो कब आई थी स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली मैं बता देता हूं, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल का डिवाइडेशन अनाउंस किया कि बंगाल को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो इंडियंस ने क्या किया, इंडियंस ने अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रथा चलाई स्वदेशी मूवमेंट की, जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी गुड्स ब्रिटिशर्स की तरफ से आते हैं, ठीक है, उनको छोड़ा जाए, उनका यूज नहीं करना है हमें। तो ऐसी प्रथा, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट, कि जो देश में वस्तुएं बन रही है, जो इंडियन पीपल्स बना रहे हैं, हम उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्वदेशी मूवमेंट किस ईयर में स्टार्ट हुआ, बताइए जल्दी से आंसर करिए, स्वदेशी मूवमेंट किस ईयर में स्टार्ट किया गया। तो देखिए, स्वदेशी मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, मनोज जी बोल रहे हैं डी 1911। तो देखिए, यहां पर स्वदेशी मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, स्वदेशी मूवमेंट क्या है, ये 1911 में खत्म हो गई थी। बेसिकली 1911 में तो ये खत्म हो गया था। तो ये स्टार्ट कब हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट कब आया था, बात कर लेते हैं स्वदेशी मूवमेंट की।
स्वदेशी मूवमेंट आया था कब? 1905 में, 1905 में। तो इसका आंसर है सी, 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया कि बंगाल को डिवाइड कर दिया जाएगा, तभी कुछ लीडर्स ने मिलकर, जैसे लाला लाजपत राय जी, ठीक है, तो इन्होंने मिलकर क्या किया, चलाया क्या, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। तो आंसर इज 1905 से लेकर 1911 तक, 1905 से लेकर 1911 तक ये चली थी स्वदेशी मूवमेंट। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, एनी डाउट। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, इनमें से किसको पॉपुलर चैंबर कहते हैं, इनमें से किसको पॉपुलर चैंबर कहा जाता है, इनमें से किसको पॉपुलर चैंबर कहा जाता है, बताइए जल्दी से, क्या वो राज्यसभा है, क्या वो ग्राम सभा है, क्या वो लोकसभा है, या फिर स्टेट विधानसभा, स्टेट असेंबली, इनमें से किसको क्या बोला जाता है, पॉपुलर चैंबर, इनमें से किसको पॉपुलर चैंबर बोला जाता है, पॉपुलर चैंबर। गाइस आंसर द क्वेश्चन फास्ट, बहुत आसान से क्वेश्चन है ये, और जो लोग आंसर कर रहे हैं ठीक है वो शेयर कर दो। तो पॉपुलर चैंबर किसको कहते हैं, पॉपुलर चैंबर इनमें से किसको बोला जाता है, देखिए पॉपुलर चैंबर बेसिकली उसको बोलेंगे जिसके पास ज्यादा पावर्स होती हैं। तो इनमें से सोचिए ज्यादा पावर्स किसके पास होती हैं, राज्यसभा के पास होती हैं, ग्राम सभा के पास होती हैं, लोकसभा के पास होती हैं, या फिर स्टेट असेंबली के पास होती हैं। राज्यसभा लोकसभा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा है। तो बताइए, तो आंसर आने शुरू हो गया मेरे पास। प्रार्थना जी कह रहे हैं ए राज्यसभा, मनोज जी कह रहे हैं लोकसभा। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। देखिए पॉपुलर चैंबर बेसिकली बोला जाता है लोकसभा को, लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा जो होती है, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जो होते हैं, वो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुनके आते हैं, वो एक इलेक्शन के द्वारा जनता चुनती है उनको, तो दैट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनको तो मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली रिप्रेजेंट करते हैं, उनको तो स्टेट असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, तो जनता तो नहीं चुनती है, जनता किनको चुनती है, लोकसभा के मेंबर्स को। तो लोकसभा क्या होती है, वो ज्यादा पॉपुलर होती है, तो लोकसभा को बोला जाता है क्या, पॉपुलर चैंबर, लोकसभा। तो हमारा यहां पर आंसर क्या है, लोकसभा, लोकसभा। अभी हमारी 17th लोकसभा ऑन गोइंग है, इसके जो स्पीकर हैं उनका नाम है ओम बिरला, ओम बिरला यहां पे स्पीकर हैं, और जो लीडर हैं वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये लीडर हैं, और वो कौन है, स्पीकर। तो लोकसभा यहां पर हमारा सही आंसर था, लोकसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, जो मेथड है, वो हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किया है, वो हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किया है। देखिए जब संविधान बनाया गया, जब संविधान बनाया बी आर अंबेडकर साहब, तो संविधान जब बना तो उसमें हमने काफी सारी कंट्री से कुछ कुछ अडॉप्ट किया, किसी कंट्री से क्या अडॉप्ट किया, फ्रांस, कैनेडा। तो इनमें से हमने इंडिया में जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, ठीक है, इंडिया में राष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं, वो आइडिया हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किया है, वो आइडिया हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किया है। तो सबसे पहले आंसर आया मेरे पास अर्चित राठौर जी का, वो कहते हैं ब्रिटेन ए। बाकी लोग भी आंसर करिए, तब तक हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। देखिए अभी इंडिया के 14th प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, इनका नाम है रामनाथ कोविंद, इनका नाम है रामनाथ कोविंद। इंडिया में प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 साल, इंडिया में। कुछ अन्य बातें मैं बता रहा हूं प्रेसिडेंट को लेकर, कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं बता रहा हूं प्रेसिडेंट को लेकर, सुनते रहना, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रेसिडेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो प्रेसिडेंट का टेन्योर इंडिया में रहता है कितना, 5 वर्ष, 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट को इंडिया में चुनता कौन है, इलेक्ट कौन करता है, तो कौन इलेक्ट करता है इंडिया में प्रेसिडेंट को,
मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये क्या करते हैं, ये इंडिया में प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ये इंडिया में प्रेसिडेंट को चुनते हैं। प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 साल, उससे पहले चाहे तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकता है, रेजिग्नेशन दे सकता है। रेजिग्नेशन किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। और प्रेसिडेंट को अगर इंपीच करना है, हमें निकालना है, तो हमारे पास कौन सा वे है, पार्लियामेंट, और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास दूसरा कौन सा रास्ता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के चलते हुए अगर पार्लियामेंट अप्रूव करती है तभी हम राष्ट्रपति को उसकी पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट कंट्री का फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। तो चलिए अब इसके आंसर की तरफ आते हैं। तो मनोज जी यहां पर बोल रहे हैं 5 का A, मनोज जी क्वेश्चन ही फोर्थ है, 5वां नहीं है ये। तो आपने बोला ब्रिटेन, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है आयरलैंड। ठीक है, प्रियंका जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, इसका जो आंसर है वो क्या है, आयरलैंड। आयरलैंड से हमने अडॉप्ट किया है क्या, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड इंडिया के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, वाइस प्रेसिडेंट को कौन नियुक्त करता है, कौन चुनता है, वाइस प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, बताइए, क्या लोकसभा के मेंबर, क्या राज्यसभा के मेंबर, या फिर पार्लियामेंट के मेंबर ज्वाइंट सिटिंग में, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि स्टेट विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। अभी हमने प्रेसिडेंट की बात करी थी, अब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो मनोज जी कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, होता है ऐसा, चलता रहता है। वाइस प्रेसिडेंट को कौन नियुक्त करता है, कौन इलेक्ट करता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के जब चुनाव होते हैं तो कौन वोट डालता है। देखिए जनता तो नहीं डालती है, ठीक है। प्रियंका जी ने बोला मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो गाइस आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर करिए जल्दी से। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, और डाउट्स पूछिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट्स पूछो, घबराओ मत, बहुत ही अभी एग्जाम में टाइम है और हम अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करेंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे हम एग्जाम। सुभाष जी बोल रहे हैं अभी मनोज जी ने बोला ए। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, अभी इंडिया के 13th वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, इनका नाम है वेंकैया नायडू, मुप्पावरप्पू वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। ठीक है जी, वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर भी इंडिया में 5 साल होता है, इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर भी 5 ईयर्स ही होता है। वाइस प्रेसिडेंट को कौन नियुक्त करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन अ ज्वाइंट सिटिंग। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। तो आंसर था सी यहां पर, यहां पर आंसर था हमारा सी। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को कौन नियुक्त करता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन अ ज्वाइंट सिटिंग, दोनों हाउसों के, दोनों सदनों के मेंबर मिलकर करते हैं, अकेला लोकसभा या अकेला राज्यसभा नहीं करता है। और वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है हमारे, वेंकैया नायडू, 13th है अभी काम करने हैं, 5 साल ही टेन्योर होता है वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, अपर हाउस का चेयरमैन भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट अपर हाउस का चेयरमैन भी होता है। और उसी के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट को भी अपना रेजिग्नेशन देना, तो वो किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देता है राष्ट्रपति को ही, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। उससे पहले बेसिकली अगर हमें रिमूव करवाना हो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को, तो सेम मेथड है पार्लियामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है, हमारा अगला क्वेश्चन है शारदा एक्ट। ये एक्ट बेसिकली 1929 में आया था, 1929 में इस एक्ट को लेके आए थे हम। तो बेसिकली ये किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है शारदा एक्ट, बताइए जल्दी से बताइए, शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है। शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है, बताइए जल्दी से।
तो प्रियंका जी ने सबसे पहले उत्तर दिया, शुभम जी ने आंसर दिया। प्रियंका कह रही है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, और शुभम कह रहे हैं क्या, चाइल्ड मैरिज। तो आंसर आने शुरू हो गए फ्रेंड्स हमारे पास। कोई शेड्यूल ट्राइब्स बोल रहा है, कोई माइनॉरिटीज की बात कर रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है चाइल्ड मैरिज। 1929 में, 1929 में शारदा एक्ट आया था, ऑल्सो नोन एज चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट इसको बोला जाता है। सरकार ने पहले बॉय और गर्ल की जो मैरिज की एज है उसको फिक्स कर दिया था। पहले गर्ल के लिए रखा गया 14 और बॉयज के लिए रखा गया 18, और बाद में इसको अमेंड कर दिया गया, बाद में अमेंड करके हमने क्या कर दिया, गर्ल्स के लिए 18 और बॉयज के लिए 21 जो आज चलता है। ठीक है, द मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल दैट इज 18 इयर्स एंड फॉर बॉयज दैट इज 21 इयर्स ओल्ड। तो ये आज चलता है। अगर आप इससे कम उम्र में शादी करवा देते हो तो दैट इज इलीगल, वो चाइल्ड मैरिज काउंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। शारदा एक्ट दैट इज रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज, ये चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड था, चाइल्ड मैरिज। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बताइए जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान सा सवाल है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। वेरी गुड सुभाष, आंसर आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं डी, कुछ लोग बोल रहे हैं बी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है आई थिंक यहां पर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो अभी मैं बता दूं, इंडिया के जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है उनका नाम है एस ए बोबड़े, बी ऑप्शन, दैट इज शरद अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। ये इंडिया के 47th, अभी हमारे 47th चीफ जस्टिस काम कर रहे हैं शरद अरविंद बोबड़े। इनसे पहले 46 थे रंजन गोगोई। तो आई थिंक इसमें इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा थोड़ा सा, बेटा रंजन गोगोई रिटायर हो चुके हैं, उनका टेन्योर खत्म हो गया, अभी काम कर रहे हैं क्या, एस ए बोबड़े। ओके बबलू प्रधान जी, तो अभी कौन है, अभी है शरद अरविंद बोबड़े, इनसे पहले 46 थे कौन, रंजन गोगोई। तो अभी चेंज हो गया है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, पुराने वाला नहीं बताना है, नया वाला बताना है, ऑप्शन दोनों मिलेगा एग्जाम के अंदर, तो इस चीज का ध्यान रखना है बेटा। हां यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, जो ऑप्शन सी में एक नाम दिया हुआ है एच जे कानिया, दैट इज हीरालाल कानिया, ये थे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, ये थे इंडिया के पहले चीफ जस्टिस। तो बेटा इस चीज का भी ध्यान रखना, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एच जे कानिया, हीरालाल कानिया। प्रियंका जी कोई बात नहीं, नाउ यू आर अपडेटेड। तो अभी कौन है, शरद अरविंद बोबड़े, इनसे पहले थे रंजन गोगोई, और पहले कौन थे, एच जे कानिया, हीरालाल कानिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ जजेस मतलब मैक्सिमम जजेस कितने हो सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर। देखिए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज भारत के मुख्य न्यायाधीश, द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो कुछ अलग नहीं होता है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का ही हिस्सा होते हैं, वो कोई अलग ऑफिस नहीं होता उनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर अभी प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ जजेस कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ जजेस कितना हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं कुछ आपको तथ्य बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट बना था 1950 में। उससे पहले इंडिया में फेडरल कोर्ट होता था, तो 1950 में फेडरल कोर्ट को खत्म करके क्या बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोत्तम न्यायालय, सबसे बड़ा कोर्ट, सबसे हाई न्यायालय। इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, दैट इज अ पार्ट, अभी हमने पढ़ा था, अभी है शरद अरविंद बोबड़े,
उसके बाद आते हैं जजेस। तो अभी कितने जजेस हैं? तो बहुत सही आंसर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही आंसर, 33+1 मतलब 34, 33 जज होते हैं और वन कौन है? एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 33+1 34, ये टोटल नंबर ऑफ जजेस है। ठीक है, अभी मैं बता देता हूं अभी प्रेजेंट कितने हैं, दो सीट वेकेंट चल रही है, अभी 32 है, बट ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं पूछा जाता है, टोटल स्ट्रेंथ ही पूछी जाती है। तो टोटल स्ट्रेंथ था 34। और जो एक और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से सुप्रीम कोर्ट को लेकर, द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज 65 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज है वो 65 पे आकर ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा। ठीक है, कोई टेन्योर नहीं होता है कि 5 साल 10 साल के लिए नियुक्त किया गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी उसको नियुक्त किया जाए, जब वो 65 का हो जाएगा वो रिटायर हो जाएगा, जब वो 65 का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन अगेन पॉलिटिका। जनता पार्टी, अभी जैसे बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट है बेसिकली, भी नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए बनाया हुआ है तो एनडीए का एलियंस है अभी। तो जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? बहुत ही आसान का आसान सा सवाल है, जिन लोगों को पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट था वो बहुत अच्छे लेवल पे इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। छाया जी कोई बात नहीं, अभी पता लग जाएगा आपको, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, जस्ट चिल। तो आंसर आने शुरू हो गया मेरे पास, शुभम कृष्णा डी डी 1984 जनता पार्टी, 9 का बी। चलिए, जिन लोगों ने डी बोला उनको तो मैं यहां गलत कर देता हूं। क्यों? देखिए, जनता पार्टी पूछा मैंने, 1984 में तो भारत के प्रधानमंत्री बने थे कौन? राजीव गांधी, वो तो कांग्रेस से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1984 वाला तो भैया गलत हो गया, 1984 वाला तो भैया गलत हो गया है। ठीक है बेटा, 1984 वाला गलत है क्योंकि 1984 में तो राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, राजीव गांधी। तो बोल रहे हैं सुभाष प्रधान, सॉरी बबलू प्रधान, तो बबलू जी बोल रहे हैं सी। तो यहां पर बबलू जी का आंसर बिल्कुल सही है, 1975 में इमरजेंसी आई थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद पार्टीज को बेनिफिट हुआ तो जनता पार्टी ने सरकार बनाई 1977 में। देश के प्रधानमंत्री बने थे कौन? मोरारजी देसाई, पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई 1977 जनता पार्टी की सरकार। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जनता पार्टी की सरकार कब आई थी? 1977 में आई थी, 77 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सुभाष प्रधान जी 1998 में बीजेपी फॉर्म नहीं हुआ था, 1998 में एनडीए फॉर्म हुआ था, बीजेपी का फॉर्मेशन 1980 में हुआ था, 1980 में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जो गठन था वो 1980 में हो गया था, भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी, ठीक है, इन पार्टीज को मिलाकर बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी, लाल कृष्ण अडवाणी और वाजपेयी साहब ने मिलकर बनाई थी। 1998 में वाजपेयी साहब ने बनाया था क्या? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अंदर ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे? बताइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है अगेन। भारतीय संविधान के अंदर ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे? तो आंसर आने शुरू हुए हैं हमारे पास, सब लोग बोल रहे हैं ए ए
तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बता देता हूँ, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर 395, पहले 395 थे बट अभी कितने हैं। अगेन अ क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के अंदर प्रेजेंट कितने आर्टिकल हैं, तो 448 अभी कितने हैं, 448, पहले कितने थे 395 ओरिजिनली। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, अभी कितने हैं 448, पहले कितने थे ओरिजिनली कितने थे 395। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। आंसर्स आर कमिंग, आंसर आने शुरू हो गए हैं। तो देखिए फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट की बात हुई है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है वो भी फीमेल है, दैट इज सोनिया गांधी। बट अगर मैं फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट की बात करूं तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो यहां पर हमारे पास थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो थी एन ए बसंत, एन ए बेसंत। 1917 में इनको नियुक्त किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी एन ए बेसंत। तो द आंसर इज बी, जिन्होंने बी बताया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन दो सदनों में से किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है। देखिए हमारे पास दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से कौन होता है जो दोनों में से किसी का मेंबर भी नहीं होता, इनमें से कौन होता है जो दोनों में से किसी का भी मेंबर नहीं होता। क्या वो प्रधानमंत्री जी हैं, क्या वो वित्त मंत्री हैं, क्या वो राष्ट्रपति है, क्या वो रेल मंत्री हैं? तो आंसर आने शुरू हो गए। तो देखिए अब देखिए जो सरकार होती है, जो करंट गवर्नमेंट ऑनगोइंग होती है, उसमें जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, तो यूनियन मिनिस्टर बनने के लिए तो एक कंडीशन होती है, क्या? यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस, आपको दोनों में से किसी एक सदन का मेंबर होना पड़ेगा। आप तभी यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हो अगर आप दोनों में से किसी एक सदन के मेंबर हो, लोकसभा या राज्यसभा के। तो रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर तो रिजेक्ट हो गया। अब प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं, तो प्रधानमंत्री के पास भी तो कैबिनेट होता है, तो प्रधानमंत्री भी यहां पर रिजेक्ट हो गया। द आंसर इज राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए कंडीशन ये होती है कि वो किसी भी दूसरी प्रॉफिट की चेयर पे नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए पहली कंडीशन ये होती है वो किसी भी दूसरी प्रॉफिट की चेयर पे नहीं होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता, तो हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अभी हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। बढ़ते हैं आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, दुनिया में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, बताइए दुनिया में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। आंसर आने शुरू हुए अगेन, पहली महिला प्रधानमंत्री। चलिए आपको एक हिंट दे रहा हूं, ये जो पहली महिला प्रधानमंत्री है श्रीलंका की बनी थी, श्रीलंका देश की में नियुक्त हुई थी दुनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है हमारा पास, श्रीमावो बंदारा नाइके। तो ऑप्शन बी दैट इज द राइट आंसर, श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर थी ये, 1960 में इनको नियुक्त किया गया था, 1960 में ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुई थी पहली बार। उसके बाद 1970 में, 1994 में फिर से चुनी गई, टोटल तीन बार प्रधानमंत्री ये बनी। तो अभी कौन है श्रीलंका के प्रधानमंत्री, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, दैट इज महिंदा राजापक्षा। यह है श्रीलंका के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, कौन? महिंदा राजापक्षा।
तो एडेड आउट। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? भारत के प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सौरभ सुमन महिंद्रा। सौरभ जी महिंद्रा नहीं, महिंदा, एम ए एच आई एन डी ए, महिंदा राजापक्षा, नॉट महिंद्रा। भारत के प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर मैं बात करूं, हमारे पास इंडिया में जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री के चुनाव है, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव है, चाहे स्टेट के इलेक्शंस है, हर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए इंडिया में एक बॉडी काम करती है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था कब? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को बना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हेड करते हैं कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इंडिया के प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो इंडिया के प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, बहुत सही आंसर, सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा ये इंडिया के प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, दो इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, दो इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। तो हमारे इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन कौन है? एक है अशोक लवासा, एक है अशोक लवासा, दूसरे हैं सुशील चंद्र। एक है अशोक लवासा, दूसरे हैं सुशील चंद्र। जी हां बिल्कुल, 6 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत के जो पहले पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन। उनका नाम था सुकुमार सेन। चलिए भारतीय संविधान के अंदर रिट्स कितनी है? अगेन ए इजी क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंदर रिट्स कितनी है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितनी रिट्स हैं भारतीय संविधान के अंदर? कृष्णा ने बोला 4, प्रियंका ने बोला 5, बाकी लोग भी आंसर कीजिए। कंफ्यूजन आना यहां पे 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 का कंफ्यूजन आ रहा है यहां पे। कोई 4 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है। तो कितनी यहां पर हमारे पास क्या है? रिट्स। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत ही अच्छे लेवल पे। तो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 5। अभी हमारे पास 5 रिट्स हैं, 5 तरह की रिट्स हैं हमारे पास, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ रिट्स आर presently here in the Indian Constitution। तो ये था हमारा आज का session। आज हमने discuss किया है क्या? Polity को लेकर basically कुछ महत्वपूर्ण question, that is very important for the DRDO MTS and as well as for the SSC exams। तो अगर आपको कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी doubt है you can ask in the comment section if you have any doubt। If you have added out, चलिए I think कोई doubt नहीं है। तो it's all for today। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं next class में कुछ interesting और अच्छे questions के साथ। Thank you so much, have a nice day।